नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। रेवाड़ी के गांव बड़ोली से युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां युवक ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी पत्नी चोर निकली। दरअसल 3 माह पहले भगत सिंह और बतेरी ने घर से भागकर प्रेम विवाह किया था, परंतु प्रेम विवाह के बाद पत्नी बतेरी को 72,000 रुपये की चोरी के मामले में पुलिस पकड़कर ले गई, जिससे पति भगत सिंह को गहरा सदमा लगा। इतना ही नहीं, बतेरी ने बताया कि उसने चोरी के सारे पैसे अपने पति भगत सिंह को दिए थे। भगत सिंह अभी पहले सदमे से ही नहीं उबरा था कि बतेरी के इस इल्जाम के बाद उसको और गहरा धक्का लगा और भगत सिंह ने अपने मामा के गांव जाकर खुद को घर में अकेला पाकर आत्महत्या कर ली। इकलौते पुत्र को खो चुकी माँ ने पत्नी बतेरी के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया है। और इसी के साथ देखिए पल पल की है खास रिपोर्ट। सर, ये जैसे पहले उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी, उसके बाद हुआ था ये कि भाई कुछ दिन बाद लड़की के घर से ऐसा हुआ था, भाई एफ आई आर दर्ज हुई थी कि चोरी करी है लड़के ने अपने मायके में किसी राव साहब के घर में। उसके बाद कुछ दिन बाद पिछले शुक्रवार को उस लड़की को घर पुलिस वाले उठा ले गए। लड़के ने बाद पुलिस के पास जाते के साथ लड़के के ऊपर भगत सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने चोरी की है लेकिन पैसे सारे इस पर दिए, और इस वजह से वो दबाव मान के प्रेशर मार के उसने सुसाइड किया।